हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट पार्ट टू। लेट अस स्टार्ट। इस फोटो में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे होकर जा रहे हैं, चीख भी रहे हैं, अपनी डिमांड्स फुलफिल कराना चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने। ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म कर रहा, इन्होंने इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म किया है, प्रेशर ग्रुप फॉर्म किया है। सो लेट अस स्टार्ट। मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हमने नेपाल में पढ़ा कि जो प्रोटेस्ट था वो 7 पार्टी अलायंस ने कंडक्ट किया। बाद में वो जो प्रोटेस्ट था वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्वाइन किया, जो कि बिलीव नहीं करती थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से पीपल होते हैं, टीचर्स, ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और बहुत सारे अलग टाइप के लोग भी होते हैं। और हमने बोलीविया में भी पढ़ा कि जो प्रोटेस्ट था वो फेडेकॉर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया। इस ग्रुप में भी प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, फार्मर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे और होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन भी थे। ये मूवमेंट सोशलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया और 2006 में ये पार्टी बोलीविया में पावर में आई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट, अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर सकते हैं और अपने व्यू पॉइंट को प्रमोट भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। कभी कभार पीपल विदाउट प्रेशर ग्रुप्स भी एक्ट करते हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा टॉपिक था मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। मोबिलाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, बोलना, प्रोटेस्ट करना और अपनी डिमांड रखना, और ऑर्गेनाइजेशंस जो वो फॉर्म करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। इसके बारे में और पढ़ने के लिए वॉच माई थर्ड पार्ट, उसमें मैंने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपको बताया है। प्लीज़ वॉच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।